नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों एक बहुत ही शानदार अपडेट आ रही है, राजस्थान आवासन मंडल हाउसिंग बोर्ड राजस्थान की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी जारी की गई है दोस्तों, जिसमें जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन के लिए वैकेंसी है, सूचना सहायक के लिए वैकेंसी है, असिस्टेंट के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए और कई और वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे 258 वैकेंसी जारी की गई है। तो आज की इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रकार की सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिलने वाले। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना काम आपको करना है दोस्तों। सबसे पहले न्यूज़पेपर के अंदर जो अपडेट आ रखी है, न्यूज आ रखी है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। उसके बाद में इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों न्यूज़पेपर के अंदर इन्होंने अपडेट दे रखी है, आवासन मंडल में 311 पदों पे भर्ती है। एक्चुअल में यहां पे 258 पदों पे भर्ती निकाली गई। नोटिफिकेशन के बारे में आगे बात करेंगे और कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जल्द ही सरकारी परीक्षा एजेंसी के जरिए राजस्थान आवासन मंडल में 311 नए पदों पर भर्ती करवाई गई, यानी कि ये जो भर्ती करवाने वाली है कोई PSU कंपनी या फिर सरकारी कंपनी होगी वो भी भर्ती करवाएगी, कोई प्राइवेट कंपनी को इसका टेंडर नहीं मिलने वाला है। आगे इन्होंने लिखा है, साथ ही राज्य सरकार मंडल को शीघ्र 3000 बीघा से अधिक भूमि उपलब्ध करवाएगी, भूमि उपलब्ध करवाएगी हाउसिंग बोर्ड को राजस्थान गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर नई नई कॉलोनिया के लिए, मतलब क्या है कि प्लाट वगैरह काटने के लिए राजस्थान सरकार है वो इनको आवासन मंडल को भूमि उपलब्ध करवाने वाली है। आगे देखिए, आवासन मंडल ने नए पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी का चयन करने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया, यानी कि कंपनी कौन सी भर्ती करवाएगी उनसे मतलब आवेदन मांग लिया गया। आगे लिखा है कि 4 मई को निविदा खुलने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 4 मई तक कंपनियों से इन्होंने आवेदन मांगे हैं, 4 मई के बाद में जो भी कंपनी इनकी भर्ती करवाएगी उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और उसके बाद में शीघ्र ही यह भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अभी जो मैं आपको नोटिफिकेशन बताने वाला हूं, जो कंपनियों से इन्होंने टेंडर इन्वाइट किया है वो मैं आपको बताने वाला हूं और वहां पर काफी सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जिन बच्चों को तैयारी करनी है अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आगे दोस्तों इन्होंने ये न्यूज़पेपर के अंदर जो भी चीजें लिखी है, कौन कौन से शहर के अंदर राजस्थान सरकार आवासन मंडल को कितनी कितनी जमीन देगी उसके बारे में, तो अपने ये काम की चीज नहीं। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं इनका जो टेंडर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर से भी अपने को काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दोस्तों आगे इन्होंने लिखा है, फॉर सिलेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसी ओनली गवर्नमेंट बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अच्छी बात यह कि सरकारी कंपनी या फिर कोई पब्लिक सेक्टर की जो PSU कंपनी है वही इसकी भर्ती करवाने वाली है, तो पेपर लीक होने के चांसेस सबसे कम होने वाले, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ी जो अभी प्रॉब्लम चल रही है वो पेपर आउट की चल रही, तो सरकारी कंपनी ही भर्ती करवाएगी, तो सरकारी कंपनियों से इन्होंने आवेदन मांगे। आगे इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन और अपने को दे रखी है। देखिए ये जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, 20 अप्रैल 2023 को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। आगे कौन कौन सी पोस्टों के लिए कितनी वैकेंसी है उसकी भी बारे में अपने को जानकारी यहां से मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है, 258 वैकेंसी है वो यहां पे आने वाली है। और आगे देखिए एक चीज इन्होंने मेंशन कर रखी है जो कि मुझे भी समझ में नहीं आ रही किस हिसाब से यह चीज लिखी है। देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन इन्वाइटेड फ्रॉम द रेप्यूटेड एंड एक्सपीरियंस रिक्रूटमेंट एजेंसीज कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन्वॉल्विंग 50,000 और मोर कैंडिडेट इन ए सिंगल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि 50,000 के आसपास में बच्चों की परीक्षा का आयोजन करवाने वाली कंपनी को मतलब क्या कि इन्होंने बोला भी इस इतने कैंडिडेट आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल स्थिति राजस्थान में देखें तो यहां पे जब चपरासी की वैकेंसी आती है वहां पर भी 4 लाख 5 लाख 6 लाख तक बच्चे आवेदन कर देते हैं, लेकिन इन्होंने जो कंपनियों को बताया लगभग 50,000 के आसपास में आवेदन आ सकते हैं, इस प्रकार की चीज इन्होंने मेंशन कर रखी, तो उससे अपने को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों यहां पे कंपनी को जो जो हिदायतें इन्होंने दे रखी है ना उनके बारे में जान लेते हैं, तो अपने को भी पूरे टाइम टेबल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने कंपनी को बताया कि आपको आवेदन लेने के लिए एक डेमो URL देना होगा जो कि विभाग को भेजोगे, विभाग जब उसको अप्रूव कर देगा तो उसके 3 दिन के बाद में आपको ऑनलाइन आवेदन लेने स्टार्ट कर देने होंगे। आप जो ऑनलाइन आवेदन लोगे 1 महीने तक कंपनियां वो ऑनलाइन आवेदन लेने वाली, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके 1 महीने तक चलने वाली है। एग्जाम आपका होगा तो एग्जाम से 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। उसके बाद में इन्होंने मेंशन कर रखा है कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तीन
3 वीक का, यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी उसके 3 वीक के अंदर इन्होंने बोला कि आपको ऑनलाइन एग्जाम करवाना होगा। तो राजस्थान के अंदर कई बार आपने देखा होगा भी फॉर्म भरने के लास्ट डेट के बाद में बहुत जल्दी एग्जाम ले लिए जाते हैं, तो इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि कंपनियों को टाइम है वो लास्ट डेट के बाद में 21 दिनों के अंदर अंदर एग्जाम लेने का विभाग की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद में आंसर की जारी करने के लिए इन्होंने तो सेम डे का यानी कि जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन आंसर की जारी करने का बोला है, लेकिन लगभग 2-3 दिन 3-4 दिन कई बार इससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद रिजल्ट जारी करने के लिए इन्होंने बताया भी एग्जाम होने का दिन होगा उसके 21 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट जारी करना होगा। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन है वो कंपनी को हिदायतें इन्होंने दे रखी है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए भी कौन कौन सी पोस्टों के लिए यहां पे वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बात करें। असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए यहां पे टोटल मिलाकर के 6 वैकेंसी इन्होंने बता रखी है। इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट यानी कि सूचना सहायक के लिए टोटल यहां पे 18 वैकेंसी इन्होंने बताई है। प्रोजेक्ट इंजीनियर जूनियर सिविल के लिए टोटल 100 वैकेंसी, यानी कि जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर का मतलब है कि परियोजना के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल है उनके लिए टोटल यहां पे 100 वैकेंसी रहने वाली है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यहां पे टोटल 11 वैकेंसी रहने वाली है। तो जेई वाले बच्चे अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि आवेदन कब तक स्टार्ट हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए यहां पे टोटल 4 वैकेंसी है, जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए यहां पे 10 वैकेंसी है। ये दोनों के दोनों यहां पे टेक्निकल वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे IIT मांगेंगे या फिर डिप्लोमा मांगेंगे उसके बारे में अपने को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी अपने को पता चलेगा। उसके बाद देखिए लीगल असिस्टेंट JLO के लिए 9 वैकेंसी है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 50 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 50 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के 258 पदों के लिए राजस्थान आवासन मंडल की तरफ से वैकेंसी जारी की गई, कंपनियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। उन्होंने बताया भी अदर जो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके बारे में लिखा है भी जो RHB है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड वो अलग से बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी। अब बात यह आती है कि सर इनका ऑनलाइन फॉर्म कब तक स्टार्ट हो सकते हैं, इनका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। दोस्तों कंपनियों से जो आवेदन मांगे गए उसकी लास्ट डेट रखी गई 4 मई। 4 मई तक जितनी भी कंपनियां इंटरेस्टेड है वो इसके अंदर आवेदन कर देगी और मई महीने के अंदर मुझे पूरा अनुमान है कि कंपनी निर्धारित हो जाएगी भी कौन सी कंपनी भर्ती करवाने वाली है। और मई के बाद में जून के महीने में 99% मान के चलिए कि इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि मई के महीने में कंपनियों के पास में काफी सारा टाइम होगा, लगभग 26 दिनों का टाइम है, तो जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेगी और जून के महीने में पूरे चांसेस है कि इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि आगे राजस्थान में चुनाव भी होने वाले हैं, उससे पहले भर्ती भी कंप्लीट करवाने वाले हैं, तो जून के महीने तक इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस है। मान के चलिए लगभग 99% 258 पदों पर राजस्थान आवासन मंडल के अंदर वैकेंसी आने वाली है। कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा इसके बारे में तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इन्होंने अभी तक जानकारी नहीं दी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो उसके अंदर आपको सारी जानकारी मिल अगर उसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो बना करके कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करके मुझे सपोर्ट करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपका उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।